नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस की। इस विश्वविख्यात पुस्तक में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की विचारधारा अलग अलग होती है, जिस वजह से उनमें सही तालमेल नहीं हो पाता। दोस्तों, मुझे लगता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस किताब को पढ़ना अनिवार्य है, ताकि घर में संघर्ष के बजाय प्रेम का माहौल बने। इस किताब में वह सब कुछ बताया गया है जो पुरुष महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय एक। पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। बहुत पहले की बात है, एक दिन मंगल ग्रह के पुरुष अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष में देख रहे थे, तभी उन्हें शुक्र ग्रह पर महिलाएं दिखी। सिर्फ उनकी एक झलक ने ही मंगल ग्रह के पुरुषों को मोहित कर दिया। उन्हें पहली नज़र में ही शुक्र ग्रह की महिलाओं से प्यार हो गया और वे तत्काल अंतरिक्ष यान बनाकर शुक्र ग्रह की तरफ चल पड़े। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के पुरुषों का बाहें फैलाकर स्वागत किया। वे सहज अनुभूति से जानती थी कि ऐसा दिन आएगा जब मंगल ग्रह के पुरुष उनके ग्रह पर आएंगे। उनके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था जो उन्हें इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मंगल ग्रह के पुरुषों और शुक्र ग्रह की महिलाओं का प्रेम जादुई था। उन्हें साथ रहने में आनंद आता था, साथ साथ काम करना अच्छा लगता था और एक दूसरे से बातें करते हुए वे कभी नहीं थकते थे। हालांकि वे अलग अलग ग्रहों के थे, परंतु आपसी भिन्नताओं के कारण उनका आनंद और भी बढ़ गया था। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में महीनों लगा दिए, ताकि वे एक दूसरे की ज़रूरतें, रुचियां, व्यवहार के तरीके समझ सकें। सालों तक वे प्रेम और सौहार्द के माहौल में रहे। फिर एक दिन उन्होंने धरती पर जाकर रहने का फैसला किया। यहाँ उन्हें शुरुआत में तो हर चीज़ बहुत अद्भुत और सुंदर लगी, परंतु धरती के माहौल ने अपना असर दिखाया और एक सुबह जब वे जगे तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वे भूल गए कि वे अलग अलग ग्रहों से आए थे और वे यह भी भूल गए कि अलग अलग ग्रहों से आने के कारण उनमें भिन्नताएँ होना स्वाभाविक था। वे अपनी भिन्नताओं के बारे में भी भूल गए। उसी दिन से पुरुष और महिला आपस में लड़ने लगे, यह जाने बिना कि हम में भिन्नताएं हैं। पुरुष और महिला हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम आम तौर पर अपोजिट सेक्स से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण सत्य को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी हमारे जैसा ही हो, उसकी भी वही इच्छाएँ हों जो हमारी हैं, और वह भी उसी तरीके से सोचे जिस तरीके से हम सोचते हैं। पुरुष आशा करते हैं कि महिलाएं उसी तरह से सोचे और बातें करें जिस तरह से पुरुष करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती है कि पुरुष उसी तरह से अनुभव करे और चर्चा करे जिस तरह से महिलाएं करती हैं। हम यह भूल गए हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से सोचते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं। उनमें भिन्नता स्वाभाविक है। इसका परिणाम यह होता है कि हम में अनावश्यक संघर्ष और तनाव होता है। परंतु जब आप यह जान लेते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, तो आपकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है और आप प्रेम से एक साथ रह सकते हैं। सिर्फ अच्छे इरादे ही काफ़ी नहीं हैं। दोस्तों, प्रेम में पड़ना जादुई अनुभव है। ऐसा लगता है दीवानगी का यह दौर हमेशा चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। हम नादानी में ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में वे समस्याएं नहीं आएंगी जो हमारे माता पिता या दूसरे लोगों के वैवाहिक जीवन में आई थी। हम यह सोचते हैं कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिता देंगे। परंतु यह जादू धीरे धीरे कम होता जाता है और शादी के कुछ समय बाद ही हमें एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती हैं। पुरुष यह अपेक्षा रखते हैं कि महिलाएं उनकी तरह सोचें और व्यवहार करें।
जबकि महिलाएं यह उम्मीद करती हैं कि पुरुष महिलाओं की तरह सोचे, क्योंकि उन्हें अपनी भिन्नताओं का एहसास नहीं होता। इसीलिए वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते। प्रेम से शुरू हुई बहुत सी कहानियाँ इसीलिए तलाक पर ख़त्म होती है, क्योंकि समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, दोनों की बोलचाल कम होती जाती है, आपसी विश्वास कम होने लगता है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, उनमें बहस होती है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है, आंसू बहाए जाते हैं, प्रेम का जादुई महल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है और सारे आसमानी सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। हम खुद से पूछते हैं, यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, यह सबके साथ क्यों होता है। इन सवालों के बहुत से दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जवाब दिए जा सकते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। प्रेम का हरा भरा वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाता है। यह लगभग हर एक के साथ हो रहा है। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं और तलाक लेते हैं, क्योंकि उनका प्यार कहीं गुम हो जाता है। ऐसा अनुमान है कि जो लोग शादी करते हैं उनमें से लगभग 50% लोगों का तलाक हो ही जाता है, और जो बाकी बचते हैं उनमें से भी 50% लोग प्रेम के कारण इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि वफादारी, सामाजिक प्रतिष्ठा या एक बार फिर से शुरू करने के डर के कारण साथ साथ रहते हैं। बहुत कम लोग पूरी जिंदगी वैवाहिक प्रेम का आनंद ले पाते हैं, परंतु ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। जब पुरुष और महिलाएं अपनी भिन्नताओं को समझ लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो प्रेम का गुलाब आपके आंगन में हमेशा के लिए खिल उठता है। प्रेम सचमुच जादुई अनुभव है और यह हमेशा बना रह सकता है, परंतु तभी जब हमें अपनी भिन्नताओं का एहसास हो। अध्याय 2, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। दोस्तों, महिलाओं को सबसे बड़ा शिकायत इस बात से होती है कि पुरुष उनकी बात ठीक से सुनते ही नहीं है। जब भी पत्नी बोलती है तो या तो पति उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है, या फिर वह कुछ देर ही सुनता है, इस बात का अंदाज लगाता है कि पत्नी की परेशानी क्या है, और फिर गर्व से अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और उसे उस समस्या का हल बता देता है। जब उसकी सलाह को महत्व तो नहीं मिलता तो वह दुविधा में पड़ जाता है। पत्नी चाहती है हमदर्दी, जबकि पति को लगता है कि वह अपनी समस्या का समाधान चाहती है। पुरुषों को महिलाओं से सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि वे हमेशा उन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती है। जब कोई महिला प्रेम करती है तो वह चाहती है कि उसका पति अच्छे से अच्छा दिखे, अच्छे से अच्छा काम करे, इसीलिए वह उसे सुधार कर बेहतर बनाना चाहती है। वह तत्काल घर घर सुधार समिति बना लेती है और पति को सुधारना उनका प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। चाहे पति उसकी सलाह को कितना ही अस्वीकार करे, वह प्रयास करना नहीं छोड़ती। हर मौके पर वह उसकी मदद करना चाहती है या उसे बताती है कि उसे क्या करना चाहिए। पत्नी सोचती है कि वह उनकी मदद कर रही है, जबकि पति को लगता है कि उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता कम हो रही है। इसके बजाय पति चाहता है कि पत्नी उसे सुधारने के बजाय उसके वर्तमान स्वरूप में ही स्वीकार करे। इन दोनों समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, बशर्ते हम पहले यह समझ लें कि पुरुष समाधान क्यों सुझाते हैं और महिलाएं क्यों सुधारना चाहती हैं। इसके लिए हमें एक बार फिर उसी दौर में जाना होगा जब पुरुष मंगल ग्रह पर रहा करते थे और महिलाएं शुक्र ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जीवन। मंगल ग्रह के लोग शक्ति, योग्यता, कार्य कुशलता और उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी सफलता का पैमाना है परिणाम हासिल करना और सफल होना। उनकी पोशाक भी उनके इन्हीं गुणों या योग्यताओं को दर्शाती है। पुलिस अफसर, सिपाही, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, टैक्सी ड्राइवर, टेक्नीशियन और कुक यूनिफॉर्म या टोपी पहनते हैं, ताकि उनकी योग्यता और शक्ति पहली ही नज़र में दिखाई दे जाए। वे साइकोलॉजी टुडे, सेल्फ या पीपुल जैसी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते।
वे तो आउटडोर गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जैसे शिकार करना, फिशिंग और कार रेसिंग। वे समाचार, मौसम और खेल में रुचि लेते हैं, जबकि रोमांटिक उपन्यासों और आत्म सुधार की पुस्तकों में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती। लोगों और भावनाओं के बजाय वे वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। आज भी धरती पर महिलाएं रोमांस की कल्पना करती हैं, जबकि पुरुष सशक्त कारों, तेज कंप्यूटरों और नई नई चीज़ों की कल्पना करते हैं। लक्ष्य हासिल करना मंगल ग्रह के पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी योग्यता सिद्ध होती है और उसे सफल होने का एहसास होता है। उसे गर्व होता है क्योंकि उसने खुद वह लक्ष्य हासिल किया है। मंगल ग्रह के लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उनके लिए योग्यता, कार्यकुशलता और शक्ति का प्रतीक है। मंगल ग्रह के पुरुष के इस लक्षण को समझ लेने से महिलाओं को यह समझ में आ जाएगा कि पुरुष उनकी सुधार करने की आदत से क्यों चिढ़ जाते हैं। किसी पुरुष को बिना मांगे सलाह देने का मतलब यह मानना है कि उसे काम करना नहीं आता या वह उस काम को अपने आप नहीं कर सकता। इस बारे में पुरुष बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कार्यकुशलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। चूंकि वह अकेले ही अपनी समस्याएं सुलझाने में यकीन करता है, इसलिए मंगल ग्रह का पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करता, जब तक कि उसे विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत ना हो। उसका तर्क होता है, किसी और को क्यों शामिल करूं जब मैं इसे अपने आप सुलझा सकता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई बुक मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।